Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 17th October 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper, and the first article is about China's Wolf Warrior Diplomacy, and this topic is important from our syllabus GS Paper 2 International Relations point of view. It is also important for PSIR optional students. So सबसे पहले समझते हैं Wolf Warrior, ये नाम आया कहाँ से है diplomacy में. देखिए, China की एक action film है, 2015 में release हुई थी, पहले Wolf Warrior, बाद में उसका sequel भी release हुआ Wolf Warrior 2, जिसमें दिखाया गया कि कैसे चाइना का एक स्पेशल कमांडो फोर्स का एक जो ऑफिसर है वो पूरे दुनिया भर के अलग अलग जगहों पे फॉरेन मर्सिनरीज और ड्रग लॉर्ड से फाइट करता है. सो दिस वुल्फ वॉरियर मूवी ऑफ चाइना एंड इट्स सीक्वल वुल्फ वॉरियर 2 ब्रॉट सम नेशनलिस्टिक फर्वर अमंगस्ट यूथ्स ऑफ चाइना. आपको अगर समझना है तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो वुल्फ वॉरियर मूवी है चाइना की, या वुल्फ वॉरियर 2 जो उसकी सीक्वल है, इट इज़ जस्ट लाइक एक था टाइगर एंड टाइगर जिंदा है ऑफ इंडिया. ये सब लिख मत देना एग्ज़ाम में, राइट, कि वुल्फ वॉरियर इज़ लाइक एक था टाइगर एंड टाइगर जिंदा है. बस समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, राइट, प्लीज़ डोंट राइट दिस इन एग्ज़ाम. मुद्दा ये है कि जब ये मूवी आई चाइना के अंदर वुल्फ वॉरियर एंड वुल्फ वॉरियर 2, तो चाइनीज़ यूथ काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर एक नेशनलिस्टिक फीलिंग डेवलप हो गई. आई डोंट नो आप में से कितने लोग इसको यार रिकॉल करेंगे, लेकिन वे बैक इन 2001 व्हेन गदर मूवी गॉट रिलीज, जहाँ पे दिखाया गया था कि सनी देओल पाकिस्तान जाकर के कैसे पूरे पाकिस्तान से अकेले लड़ाई करते हैं, तो उस टाइम में भी इंडिया के अंदर ऐसी ही एक फीलिंग डेवलप हुई थी, नेशनलिस्टिक फीलिंग, उस मूवी को देख करके. तो वैसे ही ये वुल्फ वॉरियर, वुल्फ वॉरियर 2 मूवी के बाद चाइना में यूथ इस तरह के नेशनलिस्टिक फर्वर से इंस्पायर हो रहे हैं. इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं वहाँ की चाइनीज़ गवर्नमेंट उठा रही है, क्योंकि उनको वहाँ के यूथ, वैसे तो वहाँ पे पूरी तरह से डेमोक्रेसी है नहीं, बट एनी गवर्नमेंट वांट्स टू हैव सपोर्ट ऑफ द लोकल यूथ, तो फिर वहाँ की अब जो सरकार है वो अपने आप को वुल्फ वॉरियर की तरह प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है. वहाँ के प्रेसिडेंट सी जिनपिंग अपने आप को एक वुल्फ वॉरियर की तरह प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दिस इज़ हाउ चाइना की एक वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी शुरू हुई. अभी देखिए, कोई भी इस तरह की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो कोई भी देश की सरकार ऑफिशियली कम्युनिकेट नहीं कहती है कि करती है कि आज से हम वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी फॉलो कर रहे हैं. ये तो दुनिया के अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं वो फिर नाम देते हैं अप्रोच को या टेंडेंसीज को देख करके. तो चाइना के अंदर जो आजकल के डिप्लोमेट्स हैं, वहाँ के यंग डिप्लोमेट्स, वो लोग काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसीज़ का अप्रोच अपना रहे हैं, काफ़ी सारा ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स कभी कभार वो रिलीज करते हैं अगेंस्ट द अदर डिप्लोमेट्स और अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, और वो इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सी जिनपिंग अकेले पूरी दुनिया से फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं. सो दे आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट सी जिनपिंग एज अ वुल्फ वॉरियर, एंड दिस काइंड ऑफ अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी अडॉप्टेड बाई चाइनीज डिप्लोमेट्स कुड बी कंसिडर्ड एज वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी. ये जो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है, पैंडेमिक जब से शुरू हुआ है तब से ही आप देख सकते हैं चाइनीज डिप्लोमेट्स के अंदर, क्योंकि जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है तब से कहीं ना कहीं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली चाइना को अकाउंटेबल बनाने की कोशिश की गई है, और उसके खिलाफ चाइना ने काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग तरीके से, आप कहिए या अग्रेसिव तरीके से काउंटर एक्ट किया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या अलग अलग जगहों पे चाइना ने अपने आप को दिखाने की कोशिश की है कि कैसे पूरी दुनिया हमें टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हाउ वी आर फाइटिंग अलोन अगेंस्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो चाइना प्रोजेक्ट इट्सेल्फ एज अ लोन वुल्फ फाइटिंग अगेंस्ट इंटायर वर्ल्ड, और उस लोन वुल्फ के लीडर अपने आप को सी जिनपिंग प्रोजेक्ट करा रहे हैं. अभी करेंट कॉन्टेक्स्ट में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस. देखिए, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी को आने वाले टाइम में हो सकता है और ज़्यादा बढ़ावा दे चाइना की सरकार, क्योंकि सी जिनपिंग इज़ ऑलमोस्ट सेट टू गेट इलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द चाइना फॉर द थर्ड रिकॉर्ड टाइम. तो थर्ड कंजिक्यूटिव तरीके से अब सी जिनपिंग वहाँ के प्रेसिडेंट बनेंगे, और सी जिनपिंग का जो लीडरशिप स्टाइल है वो इसी तरीके का रहा है, अग्रेसिव एंड प्रोजेक्टिंग हिमसेल्फ एज अ लोन वॉरियर.
सो ये जो वुल्फ वॉरियर स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी है दैट हैज़ पर्टिकुलरली गॉट अट्रैक्शन वंस इट हैज़ बिकम क्लियर कि सी जिनपिंग इज गोइंग टू बी प्रेसिडेंट ऑफ चाइना फॉर थर्ड टर्म. तो एज ए सेड सी जिनपिंग हैज़ बीन प्रोजेक्टेड एज ए लूफ लोन वुल्फ हु इज फाइटिंग अगेंस्ट द इंटायर वर्ल्ड. ग्रुपिंग्स लाइक क्वाड या I2U2 आर सीन एज ग्रुपिंग्स अगेंस्ट चाइना टू रिस्ट्रिक्ट द राइज ऑफ चाइना. आप देखिए पिछले दो सालों में वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के कई सारे मैनिफेस्टेशन दिखे हैं चाइनीज डिप्लोमेट्स की तरफ से. कुछ एग्जाम्पल्स देखे जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल चाइनाज एम्बेसडर टू बांग्लादेश यू ओपनली थ्रेटेंड बांग्लादेश फ्रॉम ज्वाइनिंग अ क्वाड ग्रुप. अब बांग्लादेश एक सोवरेन कंट्री है, आप कैसे किसी एक सोवरेन कंट्री को थ्रेटेन कर सकते हैं. लेकिन चाइना के एम्बेसडर ने बांग्लादेश को ओपनली थ्रेटेन किया. चाइनाज एम्बेसडर इन बांग्लादेश ओपनली थ्रेटेन किया कि यू कैन नॉट और यू शुड नॉट ज्वाइन क्वाड. ये देखिए जब G7 की मीट हुई थी UK में कॉर्नवॉल में, वहाँ पे ये G7 कंट्रीज ने इस तरीके का इमेज रिलीज किया था, राइट. अभी G7 में तो ज़्यादातर वही कंट्रीज़ हैं, वेस्ट एंड इट्स अलाइज, UK, US जैसे देश, जर्मनी जैसे देश. तो G7 ट्रेडिशनली देखा जाता है एज एडवर्सरी और हॉस्टाइल कंट्रीज टू चाइना. तो G7 का जब ये इमेज रिलीज हुआ तो इसमें फ़ोटो शॉपिंग करके चाइनीज डिप्लोमेट्स ने ये किस तरीके का इमेज रिलीज किया, जो ये काफ़ी पुराना इमेज है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाइना के बॉक्सर रिबोलियन को सप्रेस करने के लिए कैसे 8 देशों ने अलायंस बनाया था विच इंक्लूडेड जापान एंड US. तो देखिए चाइना भी हमारी तरह एक तरह से कॉलोनाइज स्टेट था. जैसे भारत को गुलाम बनाया गया वैसे ही चाइना को भी कॉलोनाइज किया गया था. लेकिन इंडिया के कॉलोनाइजेशन प्रोसेस में और चाइना के कॉलोनाइजेशन प्रोसेस में थोड़ा अंतर था. इंडिया वॉज कॉलोनाइज सोलली बाई वन कंट्री ब्रिटेन, जबकि चाइना को अलग अलग फॉरेन पावर्स ने कॉलोनियल मास्टर्स ने कॉलोनाइज कर रखा था इंक्लूडिंग जापान US एंड ऑल. तो इन कॉलोनियल मास्टर्स के अगेंस्ट चाइना के अंदर एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. जैसे हमारे देश में कैसे 1857 की क्रांति हुई थी आप मान सकते हैं, वैसे ही एक रेबेलियन स्टार्ट हुआ था चाइना के अंदर 1899 में, जो दो साल तक चला था 1899 से लेकर 1901 तक, जिसको कहते हैं बॉक्सर रिबेलियन. अभी बॉक्सर रिबेलियन को दबाने के लिए 8 देश इंक्लूडिंग US जापान सब एक साथ आ गए थे. तो उस टाइम का ये इमेज है, उसमें ये पीछे G7 नहीं लिखा हुआ था, राइट. ऑफकोर्स ये G7 तो है नहीं, फोटो शॉपिंग करके ये G7 वाला इमेज चाइनीज डिप्लोमेट्स ने इस बॉक्सर रिवेलियन को सप्रेस करने वाली जो टीम थी 8 देशों की, उसके पीछे ये G7 इमेज लगा दिया. मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे G7 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज आर कंबाइनिंग टुगेदर टू सप्रेस चाइना. तो एक तरीके से हीरो वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, कि अकेले हम दुनिया के 7 बड़े पावरफुल कंट्रीज के साथ फाइट कर रहे हैं एज लोन वुल्फ. अभी चाइना व्हाई इट इज रिजॉर्टिंग टू लोन वुल्फ डिप्लोमेसी या वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी. कहीं ना कहीं इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना जो है उसने चाइना को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना दिया. चाइना हैज़ ओवरटेकन जापान टू बिकम सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड इफ यू सी चाइना एंड कंपेयर इट विद US इकोनॉमी. सो PPP बेसिस में, परचेजिंग पावर पैरिटी रेट बेसिस में, तो चाइना हैज़ बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी. तो इस कारण से चाइना ने अपनी फॉरेन पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा बदल ली है वंस इट हैज़ इमर्ज एज एन इकोनॉमिक सुपर पावर. जैसे डेंग ज़ियाओपिंग के टाइम में चाइना बिलीव्ड इन पीसफुल राइज, या उसको कभी कभार नाम दिया जाता था हाइड द क्लॉज, मतलब अपने पंजे छुपा करके रखो, धीरे धीरे राइज करो, दुनिया को शक ना हो. लेकिन आजकल चाइना की फॉरेन पॉलिसी बदल गई है. नाउ चाइना हैज़ मूव्ड फ्रॉम पीसफुल राइज टू असर्सन ऑफ पावर या फिर हाइडिंग द क्लॉज टू वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी. और कहीं ना कहीं नेशनलिस्टिक फर्वर जो है यूथ के अंदर इंस्पायर करने की भी कोशिश है, कि यूथ जो है उसको फील कराई जाए कि कैसे हमारी सरकार हमारे हक के लिए पूरे दुनिया से लड़ रही है. वो भी एक गोल है बिहाइंड दिस वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी. वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का एक मेन गोल ये भी है टू टेल द चाइनीज साइड ऑफ स्टोरी, क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे पैंडेमिक के बाद से पूरी दुनिया चाइना को ब्लेम करने पे लगी है कि चाइना इज़ बिहाइंड दिस पैंडेमिक एंड इट्स आउटब्रेक. सो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी और एन अग्रेसिव डिप्लोमेसी हैज़ बीन टेकन बाय चाइना जस्ट टू टेल द चाइनीज साइड ऑफ स्टोरी कि नो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, द इट वॉज कम्प्लीटली नेचुरल इवेंट. कई सारे आप समझो
इस तरह के इश्यूज भी, या आप समझो इस तरह की कंट्रोवर्शियल थ्योरीज भी निकल के आई, कॉन्स्पिरेशनल थ्योरीज कि चाइना ने जानबूझकर के आउटब्रेक कराया है ताकि पूरे दुनिया भर में रिसेशन आ जाए जिसका फ़ायदा चाइना उठा ले। तो ये सब तो कई सारी बातें निकल करके आई हैं। तो चाइना उसको काउंटर करने के लिए ये लोन वुल्फ वॉरियर या वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी अडॉप्ट करता रहा है टू टेल द चाइनीज साइड ऑफ द स्टोरी। लेकिन ये जो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी चाइना ने अडॉप्ट की है, इसका काफ़ी ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। कहीं ना कहीं चाइना जो है उसको एक अग्रेसिव या इररेस्पॉन्सिबल पावर की तरह देखा जा रहा है। कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड बांग्लादेश हुअर अर्लियर विलिंग टू मेंटेन गुड टाइज विद चाइना समहाउ हैव बिकम निगेटिव और एंटी ऑफ चाइना बिकॉज ऑफ अग्रेशन शोन बाय चाइना अगेंस्ट देम। चाइना का जो सॉफ्ट पावर है वो भी लगातार डिक्लाइन होता जा रहा है बिकॉज ऑफ देयर वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी वेयर दे कीप ऑन थ्रेटनिंग द वर्ल्ड कंट्रीज देयर डिप्लोमेट्स। इस टॉपिक के बेसिस पे ये मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, व्हाट इज वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। दैट विथ इट्स वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी फ्यूल्ड बाय असर्टिव नेशनलिज्म मोर विजिबल देन एवर चाइना हैज टर्न्ड अ पेज इन इट्स फॉरेन पॉलिसी। यानी कि आपको सीधा सीधा ये सवाल अगर मेंस में इस तरीके का कुछ आता है जो मुझे लगता है, तो आपको वहाँ पर ये लिखाना है कि कैसे दिखाना है कि कैसे डेंग जियोपिंग के टाइम में चाइना पीसफुल राइज में बिलीव करता था या हाइड द क्लॉज अप्रोच अपना रहा था, आज के टाइम में इट हैज़ बिकम मोर अग्रेसिव। तो असर्शन ऑफ पावर, 9-डैश लाइन, साउथ चाइना सी, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में अग्रेशन, वो सारी चीज़ें आपको दिखानी कि कैसे चाइना पहले एक पीसफुल राइज में बिलीव करने वाला अप्रोच जो रखता था, हाइड द क्लॉज अप्रोच जो रखता था, अब वो अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी अपना रहा है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। करेंट न्यूज ये है कि पूरे देश भर में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खोले गए हैं। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खोले जाएंगे हमारे देश में, इसका अनाउंसमेंट किया गया था इन दिस ईयर्स बजट 2022-23 बजट। और अब जिस तरह का अनाउंसमेंट किया गया था बजट में, उस हिसाब से डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खोल दिए गए हैं। 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हमारे देश के अलग अलग जगहों पे खोल दिए गए हैं, जिससे हमारे देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। आप देखो, ये आप डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को एक तरीके के 24/7 डिजिटल ब्रांच समझ सकते हो किसी भी बैंक का, जहाँ पर आपको कई सारे बैंकिंग सर्विसेस सेल्फ ऑपरेबल तरीके से मिल जाएंगे। आपको जाकर के सेल्फ सर्विस से आपको तमाम बैंकिंग सर्विसेज वहाँ पे इन डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स में मिल जाएंगे। सो एक बार जरा फिर से और डिटेल में देखते हैं, व्हाट आर दीज डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। तो दे आर लाइक स्पेशलाइज्ड फिक्स पॉइंट बिजनेस यूनिट द विथ सर्टेन मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विच विल प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आप इसको सेल्फ सर्विस मोड में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 24/7 कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस रिलीज किए हैं डिजिटल बैंकिंग यूनिट के सेटअप करने के लिए। तो कौन कौन डिजिटल बैंकिंग यूनिट सेटअप कर सकता है वो भी जरा देखते हैं। सारे के सारे कॉमर्शियल बैंक्स अदर देन रीजनल रूरल बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स एंड लोकल एरिया बैंक्स कैन सेटअप डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, और वो टीयर वन से लेकर के टीयर सिक्स सिटीज में कहीं पर भी खोला जा सकता है। एंड दे आर परमिटेड अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्टेड। मतलब सारे कॉमर्शियल बैंक्स डिजिटल बैंकिंग यूनिट ऑटोमेटिक तरीके से खोल सकते हैं विदाउट हैविंग एनी नीड टू टेक प्रायर परमिशन फ्रॉम आरबीआई। लेकिन हाँ, अगर आरबीआई स्पेसिफिकली किसी भी कॉमर्शियल बैंक को मना कर देती है कि आप नहीं खोल सकते डिजिटल बैंकिंग यूनिट, देन उस केस में तो ऑफकोर्स वो कॉमर्शियल बैंक डिजिटल बैंकिंग यूनिट नहीं खोल पाएगा। अदरवाइज ग्रामीण बैंक और लोकल एरिया बैंक को छोड़ करके जितने कॉमर्शियल बैंक हैं वो अपना अपना डिजिटल बैंकिंग यूनिट खोल सकते हैं। क्या सर्विसेज मिलेंगे डिजिटल बैंकिंग यूनिट में? तो ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज जो आपको एक नॉर्मल बैंक में मिलता है, जैसे करेंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट खोलने का, डिजिटल किट्स फॉर कस्टमर्स, मोबाइल बैंकिंग, सब कुछ आपको ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर मास ट्रांजिट सिस्टम कार्ड्स, ये सारी चीज़ें, यूपीआई क्यूआर कार्ड्स, भीम, आधार, पॉइंट ऑफ सेल्स, ये सारी चीज़ें आपको डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स में इस्तेमाल करने को मिल जाएंगी। उसके अलावा जैसे लोन, तो पूरा पूरा आपको लोन तो नहीं मिलेगा डिजिटल बैंकिंग यूनिट से, लेकिन लोन मिलने के लिए जो प्रायर पेपर वर्क्स होते हैं वो सब कुछ डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स में हो सकता है। फॉर एग्जांपल एमएसएमई या किसी और दूसरे स्कीम के अंतर्गत लोन लेने के लिए जो भी जो प्रायर एप्लीकेशन है और जो
पेपर वर्क है, ऑल सच एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेसिंग एंड ऑल एक्टिविटीज़ फॉर द पर्पस ऑफ लोन कैन बी डन विथ हेल्प ऑफ डिजिटल बैंकिंग यूनिट। जो भारत सरकार की नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया है, जहाँ पे अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स के नाम लिखे गए हैं जो ऑनलाइन तरीके से इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, उन सारे गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट उठाया जा सकता है थ्रू दीज डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स आप समझिए एक तरीके का सेल्फ ऑपरेबल बैंक है, इस तरीके का दिखता है, एटीएम की तरह ही दिखता है, लेकिन इसमें आप तमाम सर्विसेज बैंक के, जैसे फिक्स डिपॉजिट, करेंट अकाउंट्स, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट सब खोल सकते हैं, लोन से रिलेटेड जो पेपर वर्क है सब आप यहाँ कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स के अंतर्गत अप्लाई करके बेनिफिट के लिए अप्लाई करना है जो आप नॉर्मली बैंक्स में जाके करते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स आर लाइक एनी अदर फिनटेक कंपनीज, जो फाइनेंशियल टेक कंपनीज होती हैं जो इस तरह की बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से उसी तरीके का काम करेंगे डिजिटल बैंकिंग यूनिट। इस तरह की जो फिनटेक कंपनियां होती हैं जो बैंक का सारा सर्विस प्रोवाइड कराते हैं लेकिन टेक की मदद से, उनको हम लोग कहते हैं नियो बैंक। इनका एग्जाम्पल हो सकते हैं जुपिटर, एफआई मनी, नियो, रेजर पे एक्स। अब इनका काम, इन तरीके का काम अब डिजिटल बैंकिंग यूनिट में हो सकता है, वो भी ज़्यादा सेफ तरीके से। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट प्लान टू मेक और प्लान टू मार्केट सिक्वेस्टरेटेड कार्बन। तो प्लान टू मार्केट सिक्वेस्टर्ड कार्बन समझने से पहले हमें समझना होगा अबाउट दिस इंटरनेशनल अरेंजमेंट जिसका नाम है रेड प्लस, फुल फॉर्म है इसका रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन प्लस। ये एक इंटरनेशनल मैकेनिज्म है जिसको सेटअप किया गया है अंडर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये वही कन्वेंशन है जिसके अंतर्गत हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है, पिछले साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी ग्लासगो में, जो अर्थ समिट 1992 में स्टार्ट किया गया, UNFCCC जिसके अंदर पेरिस क्लाइमेट डील वगैरह सब कुछ है। तो इसी UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत एक इंटरनेशनल सेटअप बनाया गया है जिसका नाम है रेड प्लस। अब रेड प्लस काम क्या करता है समझिए, दुनिया के अलग अलग देशों को, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज को इनकरेज करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो फॉरेस्ट लगाए, और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट लगाने पे जितना एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड या इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैस उन फॉरेस्ट के कारण एब्जॉर्ब होगा, उसके लिए फंड सपोर्ट मिलता है रेड प्लस की मदद से। यानी कि दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज ने देखिए एक सेंट्रल पूल ऑफ फंड क्रिएट कर दिया है, और डेवलपिंग कंट्री जितना ज़्यादा फॉरेस्ट लगाएंगे और फॉरेस्ट लगा करके अगर वो प्रूव कर पाएंगे कि इतना एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड या इक्विवेलेंट गैस हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं विथ हेल्प ऑफ दिस एक्स्ट्रा फॉरेस्ट, तो फिर उस केस में डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक्स्ट्रा फंड दिया जाता है फ्रॉम दिस सेंट्रल पूल विच हैज़ बीन क्रिएटेड अंडर रेड प्लस। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। डेवलपिंग कंट्रीज वुड रिसीव रिजल्ट बेस्ड पेमेंट फॉर रिजल्ट बेस्ड एक्शन। यानी कि रिजल्ट बेस्ड एक्शन करते हो, एक्स्ट्रा फॉरेस्ट लगाते हो, तो फिर आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा। इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। हमारे यहाँ पे मानस टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने अब फैसला लिया है कि हम लोग मानस नेशनल पार्क के अंदर एक्स्ट्रा फॉरेस्ट लगाएंगे, फॉरेस्ट को थोड़ा एक्सपैंड करेंगे जिससे हमें एडिशनल फंड मिले अंडर रेड प्लस मैकेनिज्म। तो एक्स्ट्रा फॉरेस्ट लगाएंगे, मानस नेशनल पार्क को एक्सपैंड करेंगे जिससे कार्बन सेक्वेस्टरेशन होगा। कार्बन सेक्वेस्टरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। तो ज़्यादा ज़्यादा पेड़ पौधे या जंगलों से तो कार्बन सेक्वेस्टरेशन होता ही है, ये जो पेड़ पौधे जंगल होते हैं दे आर कंसिडर टू बी कार्बन सिंक, तो उनसे कार्बन सेक्वेस्टरेशन तो होगा ही। जितना ज़्यादा कार्बन सेक्वेस्टरेशन होगा उससे उतना ज़्यादा फंड मोबिलाइज होगा, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऐसा मानना है कि अगर मानस टाइगर रिजर्व को अगर हम लोग एक्स्ट्रा एक्सपैंड करें और कार्बन सेक्वेस्टरेशन करें तो हम लोग लगभग हर साल 10 करोड़ रुपए रेड प्लस से अर्न कर सकते हैं, और इस 10 करोड़ रुपए का हम लोग इस्तेमाल करेंगे जो मानस टाइगर रिजर्व के आसपास में जो कम्युनिटी सेटल्ड हैं उनके इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए।
इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2016। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अभी सीधा सीधा तो ये तीनों पॉइंट्स मैंने आपको कराया नहीं है, लेकिन जितना भी मैंने आपको रेड प्लस के बारे में बताया है उसके मदद से आप इस सवाल को अटेम्प्ट कर लेंगे इफ यू ट्राई टू मेक अ वाइज गेस। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए इस तरीके का दिखता है स्लॉथ बियर। दुनिया में 8 बियर के अलग अलग स्पीसीज होते हैं, उसमें से ये एक है। इसका टेक्निकल नाम कुछ इस तरीके का है, मायरमेकोफैगस बियर स्पीसीज। याद करने की ज़रूरत नहीं है, 8 बियर स्पीसीज में से ये एक है। इस साल ये न्यूज़ में इसलिए आया है और पीटी परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस साल पहली बार अक्टूबर 12 को फर्स्ट वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे मनाया जा रहा है। तो IUCN ने, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग स्पीसीज को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करती है, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, उसने डिक्लेयर किया है 12 अक्टूबर को एज वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे। इस साल पहली बार हो रहा है इसलिए इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट है। 8 बियर स्पीसीज में से ये एक बियर स्पीसीज है। इंडिया के अंदर ये पाया जाता है ज़्यादातर, 90% ऑफ द स्लॉथ बियर्स आर फाउंड इन इंडिया। उसके अलावा ये नेपाल, भूटान और श्रीलंका में भी पाए जाते हैं। इंडिया के अंदर ये लगभग हर एक स्टेट्स में पाया जाता है एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर एंड सम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। स्लॉथ बियर का अगर फीचर देखा जाए तो एक नॉकटर्नल एनिमल है, यानी कि रात को एक्टिव रहता है। ये फ्रूट्स, एंट्स एंड टर्माइट्स खाता है। IUCN रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल कैटेगरी में है, वल्नरेबल कैटेगरी में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको शेड्यूल 1 का प्रोटेक्शन मिला है। एक और इसकी खासियत है कि बाकी सारे बियर्स की तरह ये लंबे समय तक हाइबरनेट नहीं करता है, तो इट डज नॉट हाइबरनेट। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट रेमी कल्चर फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन इन असम एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए रेमी एक इस तरीके का क्रॉप होता है और उससे फिर इस तरीके का फाइबर बनता है और उस फाइबर से फिर थ्रेड बनते हैं जिससे बहुत ही मुलायम सॉफ्ट क्लोथ्स बनाए जा सकते हैं। तो रेमी इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट फाइबर नेटिव टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। हमारे असम में इससे बने हुए कपड़ों को रीहा या कुंखरा भी कहते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर खासकर असम में रेमी कल्टीवेशन होता है क्योंकि हमारा जो सॉयल है वो रेमी के हिसाब से कंजीनियल है, या आप कह सकते हैं उसके हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। तो रेमी एक तरीके का फ्लावरिंग प्लांट है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इसके जो बार्क्स होते हैं वहाँ से थ्रेड बनाए जा सकते हैं जिससे फिर क्लोथ्स बनाए जा सकते हैं। असम के अंदर एज यू कैन सी एसएमईज गर्ल्स एंड ब्राइड्स वियर रीहा विच इज ए स्पेशल सॉफ्ट क्लॉथ अलॉन्ग विथ मेकेला चादर। रेमी के जो फाइबर होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दैट इज़ वाई दे आर यूज फॉर सम अदर पर्पसेज लाइक मिलिट्री यूनिफॉर्म्स, सूटिंग शर्टिंग्स एंड ऑल। उसके अलावा रेमी के जो फाइबर्स होते हैं अगर वो गीले हो जाएं तो और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं एंड दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो यूज फॉर शिपिंग इंडस्ट्री। अभी रेमी कल्टिवेशन अगर किया जाए तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं? इकोनॉमिक बेनिफिट है, जैसे कि हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फ़ायदा मिलेगा, शिपिंग इंडस्ट्री को फ़ायदा मिलेगा। सोशल बेनिफिट है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगे, कई सारे स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए, खासकर वीमेन के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगे जिससे रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा। जियोलॉजिकल बेनिफिट है क्योंकि रेमी के जो क्रॉप्स होते हैं ना वो सॉयल को और ज़्यादा फर्टाइल बना देते हैं। एक के बाद अगर एक हम ईयर ऑन ईयर रेमी कल्टीवेशन करें सो दे मेक सॉयल मोर फर्टाइल एंड दिस इज़ हाउ दे आर ज्योग्राफिकल बेनिफिट्स एज वेल। इसीलिए इस आर्टिकल में ये लिखा है कि अगर रेमी कल्टीवेशन को प्रमोट किया जाए तो इट कैन लीड टू ग्रीन रिवॉल्यूशन इन असम। तो असम एग्रीकल्चर पे कभी मेंस में APSC में सवाल आ जाए और अलग अलग सजेशंस आप लिख रहे हों या असम टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे सवाल आ जाए, वहाँ पे आप रेमी कल्टीवेशन के बारे में मेंशन कर सकते हैं। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स FAO रिलीज करता है, लेकिन इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग इन साउथ एशिया, नॉट बेस्ट परफॉर्मिंग। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। और सिलेंडर लॉरीज को लेकर के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। एंड साहित्य दिवस लक्ष्मीनाथ बेज बोरुआ जी के याद में मनाया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।